हेलो गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मोबाइल में पेन ड्राइव को चलाने की ट्रिक, और मोबाइल से डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना और पेन ड्राइव से मोबाइल को डाटा ट्रांसफ़र करना। ये तीन ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो मेरा वीडियो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहले आप लोग ओटीजी केबल इसको बोलते हैं, ये आपको 30 से 40 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में। ये ओटीजी केबल से जाना माना होता है, जाना जाता है। इस ओटीजी केबल आप लोग को परचेस करना पड़ेगा सबसे पहले मोबाइल में पेन ड्राइव चलाने के लिए। इस वाले जो पेन ड्राइव होता है उसको चलाने के लिए आप लोग को ये वाले ओटीजी केबल की ज़रूरत होगा। और पेन ड्राइव आप तो पहले से खरीद के रख सकते हैं, इसके अंदर वीडियो म्यूजिक जो भी है इसके अंदर ये मोबाइल में दिखा होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मोबाइल के जो एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ओटीजी सर्च करना, ओटीजी सर्च गलत से ओटीजी सर्च करने में ये ओटीजी कनेक्टर आ गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो ओटीजी कनेक्टर ऑप्शन को इसको अलाउ कर देना। बहुत सारे मोबाइल में ये ऑन होता है, बहुत सारे ये रेडमी की रियलमी की मोबाइल है तो इसके अंदर बंद था, मैं बंद कर लेता। और इसको आप लोग को बहुत सारे मोबाइल में ये ऑन रहता है। तो सबसे इसको ऑन करने के बाद आप लोग को बैग चले जाना है। और क्या करना है, ये जो यहाँ पे है आपको पेन ड्राइव लगाना है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ लगा के, देख सकते हैं इस तरफ इसको लगा देना है, इसके अंदर ये लगा देना है। और इसको आपकी जो मोबाइल की जो चार्जिंग पॉइंट होता है यहाँ पे लगा लें। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से, तो ये देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो चुका है। तो आप लोग को इसको ऑन करना पड़ेगा। और देख सकते हैं वार्निंग आ गया है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ये जो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा फोन। और इसको ओपन होने के बाद ये वाला ओटीजी ऑप्शन को आ जाएगा। आप लोग क्या करना है, ये इतना ही सारा मेरा मोबाइल के अंदर डाटा स्टोरेज हो गया। तो मैं ये पेन ड्राइव के अंदर डाटा है, डाटा स्टोर हो के है। तो आप लोग को क्लिक करना है, ये पेन ड्राइव में मेरा था, देख सकते हैं ये नहीं था, ये मेरा देख सकते हैं म्यूजिक एक है, देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फाइल मैनेजर को क्लिक कर लेना है, उसके बाद देख सकते हैं ये वाला इतना सारा फीचर मेरा मोबाइल के अंदर है। और आप लोगों को क्या करना है, ये तो एक ट्रिक दो ट्रिक का, एक लगाना और पेन ड्राइव से डाटा देखना, और दूसरे मोबाइल से पेन ड्राइव के अंदर डाटा लेने की ट्रिक, मैंने पेन ड्राइव के अंदर लाने की ट्रिक। तो मैं वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, मैं एक वीडियो लूँगी डाटा, ये वाली वीडियो लूँगी। यहाँ पे ये वाली वीडियो लूँगी, तो इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है और कॉपी, इसको ऑप्शन पर क्लिक करना से यहाँ पे ये फ़ोन स्टोरेज और ये जो पेन ड्राइव स्टोरेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये वाले कर देना, और ये आपकी पेन ड्राइव के अंदर चला गया। तो पेन ड्राइव के अंदर चला गया। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, मैं हर बार बोल देता हूँ चैनल को लाइक कर देना, सॉरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गो, आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।